हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, एज यू नो, हम लोगों ने एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस फॉर 2023 एंट्रेंस के लिए जितने भी डेमोस थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सेमिकॉन क्लासेस में और डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिलके आपको जितने भी डेमोस थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। सो गाइस, अब हम आपको कुछ क्लासेस के बारे में बता देते हैं कि हमारी क्लासेस किस किस तरीके से चलेंगी और हम अपनी क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे तो गाइस, आप लोगों ने जो हमारे डेमोज अटेंड करे थे हमने वहां पर भी बता दिया था। जैसे कुछ लोगों ने ऑफलाइन क्लास अटेंड करी है, कुछ ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी है और कुछ लोगों ने गाइस हमारा यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पर हमारा डेमो देख लिया, ठीक है। सो काफी सारी चीजें हम वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। सो जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो भी गाइस इस पूरी सेशन को देखिएगा, ठीक है। काम की बात उनके लिए भी डिस्कस की जाएंगी, जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी गाइस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आपको मालूम होना चाहिए कि आप जहां ज्वाइन कर रहे हो वो लोग आपको चीजें किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमारी क्लासेस जो चलेंगी वो मंडे टू थर्सडे, यानी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे। गाइस, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का जो सिलेबस है, देखो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एम इकोनॉमिक्स को एक एज एन नॉर्मल एग्जाम की तरह अज्यूम कर रहे हो, और जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी वो यूनिवर्सिटी जो थोड़ा सा हल्का पेपर लेती है, जो थोड़ा सा इजी पेपर लेती है, अगर उनके अकॉर्डिंगली बात करते हो तो बहुत कम पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आप बात करते हो जीएससी की, इफ यू टॉकिंग अबाउट बेसिकली डीएससी, आईएसआई, आईजीआईडीआर, ठीक है, जेएनयू एंड गाइस इनसे रिलेटेड और यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी, तो इनके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस थोड़ा बहुत पढ़े और एग्जाम दिया और हो गया, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको 4 days इन अभी क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 2 classes मेरी साइड से होंगी, ठीक है। 2 classes मेरी साइड से होंगी, मैं आपको इकोनॉमिक पार्ट कराऊंगा, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आप बोलो सर ये सारे सब्जेक्ट एमए के लिए जीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सर देखो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। वो जो जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी थी डेमो में भी मेरी, उनको मैंने बता दिया था थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटीज का पैटर्न, ठीक है। सो मैं आपको इंटरनेशनल, पब्लिक और डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी ये भी अलग से करवाऊंगा, एंड माइक्रो मैक्रो तो गाइस है ही, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस, सुधीर सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुधीर सर ही आपको 2 subjects पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स में जो एक्सटेंशन होता है टॉपिक्स का, वो कैलकुलस, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, वो भी वो कराएंगे। और स्टेटिस्टिक्स में गाइस नो डाउट इकोनोमेट्रिक जो से कनेक्टेड है वो भी गाइस आपको सुधीर सर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो हमारी क्लासेस में 2 classes सुधीर सर लेंगे, ठीक है, 2 classes मैं लूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका सैटरडे या संडे में किसी भी एक दिन, ठीक है, कोई भी एक दिन हम आपका डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल डाउट सेशन होगा, ऑफिशियल मतलब आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि हम लोग कब अवेलेबल है और आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आफ्टर क्लास हम लोग अवेलेबल रहेंगे, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे में इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफी सालों में, 2-3 सालों में स्टूडेंट्स का एमए इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ही स्टूडेंट एमए इकोनॉमिक्स की तरफ जाए, नहीं, आईटीशियंस भी आते हैं, यानी वो हर बंदा आने का सोचता है जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी या तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या कभी ना कभी मैथमेटिक्स पढ़ी हो, ठीक है। इवन बीए प्रोग्राम के लोग भी आते हैं, बीकॉम ऑनर्स यहाँ के लोग भी आते हैं, अदर डिपार्टमेंट के भी आते हैं। इनफैक्ट पिछले साल 3 लोग तो वो थे जो सीए कर रहे थे और वो लोग एमए इकोनॉमिक्स में थे, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, और मजे की बात बताऊं उनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन भी हो गया डीएससी में। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट नहीं होते, इकोनॉमिक्स के अदर फील्ड के भी होते हैं। सो क्या कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चीजों को हल्के में लो। खैर, अगर आपके डाउट टाइम टू टाइम सॉल्व होते रहेंगे तो ही आप चीजों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, तो ही गैस चीजों को क्लियर कर सकते हो। एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी गैस ये है
कि एज यू नो जब जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है, हम जैसे आप ज्वाइन करते हो, एनरोल्ड होते हो, तो क्या देखा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है हम लोगों का। उस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें बेसिक्स भी मिलेंगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई स्टूडेंट है और कहते हैं सर हम लोग जो है थोड़े से नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, मैथ नहीं पढ़ी हुई, या फिर वो स्टूडेंट जो कहते हैं मैथ बैकग्राउंड के तो हैं लेकिन बहुत अच्छी मैथ नहीं आती, तो गाइस हमने कुछ चीजें आपके लिए रिकॉर्ड करी हुई हैं, ठीक है, बेसिक चीजें जिनको क्लास में नहीं कराना चाहिए बट एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको आना जरूर चाहिए, तो हमने उसके लिए रिकॉर्डिंग्स कर रखी है, देन वो रिकॉर्डिंग्स हम आपको उसकी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लेकिन मैं आपको ये बात अनाउंस कर देता हूँ कि जो हमारी क्लास मंडे टू थर्सडे होगी, जो हमारी रेगुलर क्लास होगी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, उसको आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड ही करना पड़ेगा। आप कहते हो कि सर किसी रीजन की वजह से हमारी क्लास छोड़ गई, हमारी क्लास रह गई, तो फिर आपको उसका बैकअप दिया जाएगा, भले ही अकेला बच्चा क्यों ना बैठा हो, ठीक है, सिंगल बच्चे को भी हम लोग बैकअप देंगे। बिकॉज गाइस सुधीर सर हमेशा से ऑनलाइन और लाइव पढ़ाते आए हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स कभी नहीं देते, ठीक है, उसकी वजह से मैं भी नहीं दे पाऊंगा रिकॉर्डिंग्स आपको। द रीजन बिहाइंड ऐसा हमने देखा है, रिकॉर्डिंग्स में चीजें तो इजी होती है कि भी ठीक है कभी भी पढ़ लेंगे, हमें एक सहूलियत होती है, हम कभी भी पढ़ लेंगे, और मैं आपको एक बार बताऊं जब सहूलियत होती है ना कभी भी कर लेंगे, फिर वो कभी भी नहीं होता, फिर वो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो दिन निकलते हैं, वो कल करेंगे और वो कल कभी आता है तो आप बताओ, कभी किसी का कल आया ही नहीं है, हमेशा सबका टुडे चल रहा होता है, आज ही चल रहा होता है सब कुछ, कल कभी नहीं आता। सो ड्यू टू दीज रीजन हम गाइस आपको रिकॉर्डिंग इन रेगुलर क्लासेस की नहीं देंगे, बट हाँ आपको रिकॉर्डिंग उनकी मिल जाएंगी जो टॉपिक्स आपके वीक रहेंगे, एक चीज। उसके बाद गाइस हम लोग आपको वीकली वी विल ट्राई टू प्रोवाइड वीकली असाइनमेंट, ठीक है, वीकली असाइनमेंट। ऑब्वियसली बात है डाउट्स आपको कभी भी ना हमें क्लासेस में तो नहीं आने वाले, क्योंकि हम अपनी क्लासेस में सारी चीजें क्लियर कर देंगे, जो डाउट्स आपको आएंगे गाइस आपको असाइनमेंट में आएंगे, हम लोग आपको गाइस असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट। सो असाइनमेंट में हम लोग आपसे जैसे कि आप मान के चले कंप्लीट असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं देंगे अभी उसके, पहले आपको होमवर्क देंगे कि वीकली, ठीक है, असाइनमेंट दिया हमने आपको, होमवर्क दिया, और होमवर्क में आपको करने के लिए क्वेश्चन दिया, आपने एक हफ्ते का समय लिया होमवर्क क्वेश्चंस को करें, फिर हम आपको उसके गाइस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको सॉल्यूशन दे दिया, आफ्टर दैट जब आपने सॉल्यूशन की आंसर की देख ली, फिर आपके हम लोग डाउट्स लेंगे, जिससे क्या होगा फिल्टरेशन हो जाएगा, फिल्टर चीजें हो जाएंगी, राइट गाइज। एंड ऑल्सो गाइज हम अपनी क्लासेस में क्या क्या प्लान करने वाले हैं, जैसे कि गाइज आपका असाइनमेंट हो गया फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग गाइज आपकी मॉक टेस्ट सीरीज गाइज, हमारी टीम ने सेमिकॉन क्लासेस एंड डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोगों ने ना टीचिंग के साथ साथ स्टडी मटेरियल पे भी बहुत साल लगाए, बहुत काम किया, ठीक है, यानी जितना हो सकता क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी गाइस, तो वो चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। एंड थर्ड वन गाइस पास्ट ईयर गाइस, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी वाइज जैसे आप लोग कहते हो सर मैं डीएससी जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डीएससी के सारे पास्ट ईयर टिल डेट नाउ फ्रॉम 2004 से लेकर टिल डेट अब तक के जितने भी होंगे आपको सारे पास्ट पेपर कराए जाएंगे, ठीक है, और आपको भी करना है, खुद भी करना है, हम भी कराएंगे, एडगर तो ये सब चीजें रहेंगी हमारे साथ में। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है आप प्लीज इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है, एंड फॉर फीस रिलेशन अगर आपको कोई फीस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस आप प्लीज हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी क्लास से रिलेटेड जो मेरे को बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।